हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? मायसेल्फ शिवांशु अत्रे स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। हमने जो कारवा चलाया है एनएमटीसी प्रीआरएमओ आईजीएस और केवीपीवाई का, उसको थोड़ा और आगे ले चलते हैं और आज देखते हैं ज्योमेट्री की कुछ स्पेशल थ्योरम जिनका बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होता है और डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यारो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पे एक बहुत बढ़िया गिव अवे चल रहा है रेडमी नोट 6 प्रो का, जिसका लिंक कॉर्नर में आ रहा है। तो हो सकता है ये रेडमी नोट 6 प्रो आपका इंतजार कर रहा हो, आपका हो जाए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमने यहां कुछ थ्योरम लाए हैं, ये थ्योरम्स आपको देखनी और डायरेक्ट आपको इसका इंप्लीमेंटेशन करना है। जैसे सीवास थ्योरम एक बहुत अच्छी थ्योरम है। सीवास थ्योरम क्या कहती है, देखिए अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल आ गया एबीसी, इसमें आप इंटीरियर में कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, मान लीजिए आपने ये ले लिया सपोज डी, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल है, इंटीरियर में कहीं भी एक पॉइंट लिया डी। अब आपको हर वर्टेक्स से डी को मिलाना है और एक्सटेंड कर देना है। क्लियर, क्लियर हो गई ये चीज? तो पक्की बात है ये साइड को कहीं ना कहीं तो जाके कट करेगा। मान लीजिए इसका पॉइंट दे देते हैं अपन ई एफ जी, ठीक है, तो ये जो ई एफ जी होंगे ये साइड को किसी रेशियो में डिवाइड करेंगे। लेट इट बी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई एंड स्मॉल एफ, ठीक है। ये जो आपका ई है ये ए बी को डिवाइड कर रहा है ए रेशियो बी में, एफ बी सी को कर रहा है सी रेशियो डी में, जी सी ए को कर रहा है ई रेशियो एफ में। क्लियर। अब हमारा यहां पर सीवास थ्योरम क्या कहता है, ए अपॉन बी जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो मल्टीपल बाय सी बाय डी मल्टीप्लाई बाय ई बाय एफ इज इक्वल टू वन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में इसका इंप्लीमेंटेशन आ जाता है। हो सकता है कुछ दे रखा हो और कुछ गायब हो, तो वो जो अननोन होगा उसको आपको नोन करना होगा, इस थ्योरम की मदद से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एंगल्स का भी होता है। अगर मान लीजिए सपोज ये एंगल है मेरा स्मॉल, ये ले लेता हूं मैं स्मॉल पी, ये आपका स्मॉल क्यू, आर एस, ठीक है, टी और ये यू है ना, ये एस है, ठीक है। तो एंगल का क्या होगा, एंगल में लगता है बेटा साइन रिलेशन, साइन वाला क्या होगा, साइन पी अपॉन साइन क्यू इंटू साइन आर अपॉन साइन एस इंटू साइन टी अपॉन साइन यू इज इक्वल टू वन। क्लियर हो गया ये, ठीक है। यानी कि अगर आपको एंगल दे रखे हैं तो आप एंगल में भी इजीली लगा सकते हैं, ये सीवास थ्योरम जैसा ही है, साइन पी अपॉन साइन क्यू इंटू साइन आर अपॉन साइन एस इंटू साइन टी अपॉन साइन यू इज इक्वल टू वन हो गया, ठीक है। दूसरा थ्योरम देखिए, मैं इसका प्रूफ नहीं कराऊंगा क्योंकि इनका डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन आता है और प्रूफ कभी पूछा भी नहीं जाता है, फिर भी अगर आप लोग इसका प्रूफ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, आपके ऐसे सर वो प्रूफ भी करा देंगे। वाई टू वेस्ट द टाइम, जब पूछा ही नहीं जाएगा तो हम तो डायरेक्ट उसका इंप्लीमेंटेशन सीखे। देन आता है आपका लेडर थ्योरम, ये था आपका फर्स्ट। अब सेकेंड है आपका लेडर थ्योरम। लेडर थ्योरम क्या कहता है, लेडर थ्योरम बहुत अच्छा है। यहां पर क्या है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ठीक है, एबीसी एक ट्राइंगल है और यहां कोई पॉइंट है सपोज पी और यहां कोई पॉइंट है क्यू, आप सीपी ज्वाइन कर दीजिए बी क्यू ज्वाइन कर दीजिए, तो यहां आपके पास चार ट्राइंगल हो जाएंगे, है ना, दैट इज स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी इनका एरिया होगा। हो सकता है तीन का एरिया दे रखा हो, चौथा एरिया आपको फाइंड करना हो, मान लीजिए बी सी डी दे दिया आपको ए फाइंड करना है या एबीसी दे दिया आपको डी फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, वहां काम आती है अपनी लेडर थ्योरम। अब ये लेडर थ्योरम क्या कहती है, ये आप समझ गए डायग्राम से बढ़िया तरीके से, चार ट्राइंगल हो गए ए बी सी डी उनका एरिया हो गया। तो अगर मैं बात करता हूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये कितना होगा, इसको मैं डेल्टा से लिख देता हूं, यह होगा मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्लियर है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यही होगा। अब मेरा ये लेडर थ्योरम क्या कहता है, लेडर थ्योरम कहता है वन अपॉन डेल्टा, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस वन अपॉन, अब यहां बेस में देखिए क्या आ रहा है, वो ट्राइंगल आ रहा है बेस में जिसका एरिया है सी, तो ये हो जाएगा वन अपॉन सी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहां देखिए, यहां बेस में सी आ गया, अब एक बार इसके साथ मुझे ऐड करना है बी को
और एक बार मुझे ऐड करना है d को। अब ये कैसे होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन c प्लस बी प्लस 1 अपॉन c प्लस डी। क्लियर है, पूरा ट्राइंगल का एरिया 1 अपॉन में प्लस 1 अपॉन में बेस एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब ये जो बेस एरिया है इसमें एक बार b को ऐड करा है और एक बार बचे हुए को d को करा है। ये क्लियर हो गया आपको, यानी कि बेस पे जो आपके ट्राइंगल्स बन रहे होंगे उनके एरियाज ऐड हो रहे हैं आप कह सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे फिर आता है हमारा ये थर्ड, मैनलेस थ्योरम। अब ये मैनलेस थ्योरम क्या कहता है, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके बारे में भी अपन जान लेते हैं ये थ्योरम हमसे क्या कहना चाहती है। मैनलेस थ्योरम ये कहती है कि मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, आपके पास कोई ट्राइंगल है, से फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ट्राइंगल बना दिया है ना, ए बी सी। अब इसकी साइड्स पे या एक्सटेंडेड साइड पे अगर कोई पॉइंट लिए जाते हैं और वो पॉइंट कोलिनियर होते हैं, यानी कि जैसे यहां एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया और एक ये आगे बढ़ा है, तो ये इसको कट करेगा कहीं यहां, ठीक है, इसका हम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, ये समझ में आ गया, ट्राइंगल है, ट्राइंगल की तीनों साइड पे या एक्सटेंडेड साइड पे कोई पॉइंट लिए गए और वो तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है। अब ये भी किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए मैं लिख देता हूं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए पी अपॉन पी बी ए बाई बी, बी सी अपॉन सी आर सी बाई डी, सी क्यू अपॉन क्यू ए ई बाई एफ। क्लियर, तो हमारा मैनलेस थ्योरम क्या कहता है, मैनलेस थ्योरम हमें यह बताता है कि यहां पर अब क्या होगा, यहां पर होगा आपका a बाय बी इंटू ए बाई बी इंटू, अब ये यहां से पूरा जाएगा c प्लस डी अपॉन डी, ठीक है, a बाय बी इंटू सी प्लस डी अपॉन डी इंटू ई बाय एफ इज इक्वल टू वन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर यहां हम बात करते हैं, सपोज एपी और पीबी अगर इस तरह से रेशियो में करते हैं, तो ये देखिए सीधी लाइन चल रही है पर यहां जाके हमें वापस आना पड़ रहा है। क्लियर है, तो अगर हम इस तरह लिखेंगे, पॉइंट से लेंगे, वर्टेक्स से लेंगे, तो वहां पर ये माइनस वन भी बन जाता है। कैसे बता देता हूं आपको, एपी ये तो क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं इसलिए हमने लिख दिया एपी बाय पीबी इंटू बी आर अपॉन आर सी, अब ये देखिए वापस आए ना आर सी इंटू सी क्यू बाय क्यू ए, ये हो जाएगा आपका माइनस का वन। ये होती है हमारी मैनलेस थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैनलेस के बाद आता है आपका वेन एबुल्स थ्योरम। अब ये वेन एबुल्स थ्योरम क्या है, इसका तो शायद कई बच्चों ने तो ये तो नाम अपने सुने होंगे, पर ये जो आपका वेन एबुल्स है ये तो बहुत नया नाम है। अब ये क्या कहता है, देखिए यहां पर हमें बताया गया है कि मान लीजिए ये ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, ये बन गया बढ़िया सा ट्राइंगल, ओके, यहां तक बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए यहां पर मैंने ये बना दिया, ये बना दिया और ये बना दिया, क्लियर है। अब सपोज ये पी रेशियो क्यू दे रखा है, ठीक है, पी ये अगर पॉइंट है सपोज कुछ एल, तो ए एल अपॉन एल डी आपको पी बाई क्यू दे रखा है, ये E है, ये F है, ए ई बाई ई बी आपको A बाई बी दे रखा है, ये C बाय डी दे रखा है। क्लियर है, तो आपकी वेन एबुल्स थ्योरम क्या कहती है, A बाय बी प्लस सी बाय डी इजिकल टू पी बाय क्यू। क्लियर है, अब यहां हमें थर्ड साइड के रेशियो से कोई मतलब नहीं है, दो साइड का रेशियो दे रखा होता है और बीच में जो पॉइंट होता है वो उसे पी बाय क्यू में डिवाइड कर रहा होता है रेशियो में, तो रिलेशन ये वेरीफाई होता है ए बाय बी प्लस सी बाय डी इज इक्वल टू पी बाय क्यू। अब आता है हमारा स्टीवर्ट्स थ्योरम, पांचवा थ्योरम हमारा स्टीवर्ट्स थ्योरम क्या कहता है। स्टीवर्ट्स थ्योरम के बारे में बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए यह कोई ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, एबीसी इज अ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल पे मैंने कहीं पॉइंट लिया सपोज बीसी पे डी और एडी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, यहां पर बीसी का लेंथ है ए, एसी का लेंथ है बी, एबी का लेंथ है सपोज सी, और ये जो पॉइंट लिया गया था डी, ये इस तरह से लिया गया था कि ये बीसी को एम रेशियो एन में डिवाइड करता है,
ठीक है, साथ ही साथ AD का लेंथ होता है D। अब इसमें से कुछ भी अननोन होगा तो आप रिलेशन से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब रिलेशन क्या होता है, डायग्राम समझ में आ गया, ABC एक ट्रायंगल है, BC पर कहीं एक पॉइंट लिया गया है D, A को ज्वाइन किया गया है D सर, और वो D ऐसा पॉइंट है जो BC को M रेशियो N में डिवाइड करता है। तो हमारा रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन में आपको क्रॉस में चेक करना है, बी के साथ देखना है एम, ठीक है, और सी के साथ देखना है एन। तो रिलेशन हमें बताता है बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एन इज इक्वल टू ए, ठीक है, और ब्रैकेट में डी स्क्वायर प्लस एम एन। कितना सिंपल है, ठीक है, क्या आ गया, बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एन इज इक्वल टू ए और ब्रैकेट में डी स्क्वायर प्लस एम एन, ठीक है। और एक थ्योरम और देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, सपोज ये आपने ट्रायंगल ले लिया एबीसी, ठीक है, अब इसमें भी कहीं अंदर एक पॉइंट है मान लीजिए, और इस तरह से ये लाइनें चली गई हैं, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये इसे किसी ना किसी रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, सपोज ये लिखा है ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ये ई बाई एफ, ठीक है। तो रिलेशन क्या बनता है, हो सकता है ये आपको सपोज पी पॉइंट है तो एपी बाय बीई या जो भी ये पॉइंट रहा होगा वो दे रखा हो, और कुछ अननोन हो तो कैसे फाइंड करेंगे। इसका एक सिंपल सा रिलेशन होता है, हमें चेक करना है वर्टेक्स के पास वाला रेशियो क्या आ रहा है, वर्टेक्स के पास में आ रहा है ए, यहां आ रहा है सी और यहां आ रहा है ई, बस इसी पर काम करना है, ए अपॉन ए प्लस बी, ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस डी, सी अपॉन सी प्लस डी, सी के पास में क्या आया ई, तो प्लस ई अपॉन ई प्लस एफ, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा टू के बराबर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन देखने को आपको कई जगह मिल जाएगा। तो चलो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप ये मेरा छोटा सा वीडियो जो थ्योरम्स को लेकर मैं आया था आपको पसंद आया होगा। ये सारी वो थ्योरम है जो हमें बहुत कम देखने को मिलती है, पर इनका इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको इनका इंप्लीमेंटेशन करना आता है तो डायरेक्टली बड़े से बड़ा क्वेश्चन निकल जाता है। तो चलो बाकी तो क्या है, पढ़ते रहो, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।